हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोगों को स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। और आज हम एक बार फिर से खेलने वाले हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। और तुम सब सोच रहे होगे इतने टाइम से मैं कार फॉर सेल सिमुलेटर क्यों खेल रहा हूँ। तुम नवी गेम्स भी देखना चाहते हो, मैं जानता हूँ, और नवी गेम्स भी आएंगी, कोई बात नहीं। कार फॉर सेल भी एक एपिसोड करके, देन दूसरा एपिसोड हमारी नवी गेम का, देन दूसरा एपिसोड कार फॉर सेल का। और तुम्हें मैं एक चीज़ और बता दूँ कि हमारे इस गेम में अपडेट आने के बाद यार काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है, और मैं कुछ गाड़ियाँ भी परचेज करके लाया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि मेरे को अपना ये शोरूम पूरा फुल करना था। और तुम्हें पता होगा पिछले वाले एपिसोड में हमने पूरी की पूरी अपना शोरूम भर दिया था। ये देखो भाई काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, यहाँ से ना पहले नीचे चलते हैं, लिफ्ट वगैरह में आवाज़ नहीं है वैसे, ठीक है, यहाँ से हम जल्दी से नीचे चलते हैं। और अभी के लिए मेरे को गाड़ियाँ सेल करनी है, और तुम्हें मैंने पिछले वाले एपिसोड में बोला था हम एक खुद का ऑफिस बनाएंगे बढ़िया सा, तो चलो एक ऑफिस बनाना तो है ही है हमें, तो ठीक है। ऑफिस में देखो मेरा एक कंप्यूटर आ चुका था, बट ना एक सोफ़ा सेट नहीं था, वो बनाना है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले ना इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये भी हटाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें याद होगा हमारे पास ये वॉल्स वगैरह थे, और जो सोफ़े हैं वो थोड़े बहुत बड़े हैं, इसलिए ना मैं थोड़ा अपने ऑफिस का साइज़ बढ़ा रहा हूँ। रुको यहाँ पे ना, कहाँ गए यार सोफ़े, कहाँ गए बेटे के, वरना मेरे को सोफ़ों को ना चेक करना पड़ेगा, देन तभी पता लगेगा। ये रहे वो सोफ़े और यहाँ पे टेबल वगैरह ना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक सोफ़ा लगा भी दूंगा ना मैं, तब भी दिक्कत पड़ेगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक सोफ़ा ना सेट करके देखने पहले, ठीक है, यहाँ पे अच्छा लगेगा, डन। और अभी के लिए यहाँ पे एक टेबल लगा के देखूँ क्या, वेट एक टेबल लगाऊंगा ना, देन ठीक हो जाएगा। और यहाँ की दो ये निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इसे रिमूव करा इसलिए, क्योंकि यहाँ ना हम पता क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वो है ना, क्या कहते हैं इसे, वॉल्स रेड वाली, इनको लगाएंगे, विंडोज़ को नहीं लगाएंगे, विंडोज ऐसी वॉल्स लगाएंगे वहाँ पे। तो चलो, और यहाँ पे देखो एक टेबल लगाना है, टेबल है काफ़ी बड़ा, दिक्कत वही है मेरे को ना इसका गेट वगैरह भी हटाना पड़ेगा यार, दिक्कत पड़ेगी यहाँ से ना मेरे को, एक गेट हटाने पड़ेंगे एंड काफ़ी कुछ हटाना पड़ेगा। रुको मैं एक बार ना भाई टेबल लगा के चेक कर लेता हूँ, क्या ये टेबल अच्छी तरह आएगा, हाँ यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा ना सेट करके यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा टेबल आ चुका है। एंड अभी मेरे को पूरा सोफ़ा लगाना है, सोफ़े के लिए ना मेरे को थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये वाला सोफ़ा आ जाएगा, यार ये ना सोफ़ा बड़े वाला नहीं दिया, पता नहीं क्यों, बड़े वाला सोफ़ा होता देन और ज़्यादा अच्छा लगता हमारा सोफ़ा, ठीक है। और यहाँ पे भी भाई ये कैसा सोफ़ा आ रहा है, डिफरेंट ही, ठीक है, ये ऐसे मिक्स हो सकता है ना, रुको 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 रुको, यहाँ पे साइड में नहीं है इसके, ठीक है, इसके साथ में लगाता हूँ उसको, ठीक है, जोड़ के टर्न यहाँ पे आ जाएगा फाइनली, एक सोफ़ा ये हो गया। एंड अभी एक सोफ़ा यहाँ पे सेट करके लगाना है, रुको अभी ना इसको तीन साइज़ में सोफ़े को करेंगे, बट आगे स्पेस नहीं बचेगा, तो ठीक है रुको, इसको नहीं, इसको सोफ़े को लगा, यार ये सोफ़ा अलग ही लगेगा, रुको ना मिनट, ठीक है, ये वाला देखो अब सही हो गया, ठीक है, तीनों साइड में हो गया ये। एंड ये देखो पूरा सोफ़ा सेट ये बन चुका है। और अभी मेरे को ना यहाँ पे वॉल्स हटानी पड़ेगी, क्योंकि वॉल्स को भी हटाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रुको इसको ना मैं, यार ये सेट नहीं होगा, वेट इसको हटाओ। एंड अभी के लिए मेरे को यहाँ के वॉल्स वगैरह भी तोड़ने पड़ेंगे, काफ़ी डिफरेंट काम है वैसे, बिल्ड वगैरह का बढ़िया काम दे दिया इन्होंने ना, हम ये बिल्ड वगैरह कर सकते हैं। मैं यहाँ ना कुछ विंडोज़ हटा रहा हूँ, एंड यहाँ पे वॉल भी हटाना है, ठीक है, इसको हटाओ, वेट, तो ठीक है यहाँ से ये हट चुका है। एंड यहाँ से एक ये वाला वॉल भी हटाना है, टर्न, यहाँ से वाला वॉल हटा लिया। मेरे को ना ये स्टेयर्स भी हटाने पड़ेंगे यार, दिक्कत होगी, रुको यहाँ पे अब देखो ऑफिस की जो ये आराम से आ गया ना, ठीक है। एंड अभी के लिए मैं दो मिनट रुकना, इसको भी ना मैं यहाँ पे ला सकता हूँ, थोड़ा सा सेट हो गया ये भी। एंड अभी एक और सोफ़ा लगेगा यहाँ पे, रुको यहाँ पे एक सोफ़ा और हो गया, ठीक है, डन। तो हमारा जो ऑफिस था वो रेडी हो चुका है, बस यहाँ पे ना वॉल्स लगानी बाकी है, तो वॉल्स वगैरह भी लगाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ये वाले स्टेयर्स हटा दूँ, देन जिसके कारण से भाई हमारे जो वॉल्स हैं वो आ जाएँ। एंड यहाँ का मेन ऑफिस का विंडो भी तो बनाना ज़रूरी है, तो ठीक है यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है। थोड़ा बहुत चेंज करना है क्या कुछ, नहीं मेरे को लग नहीं रहा यहाँ पे चेंज करने की कुछ ज़रूरत है, थोड़े बहुत ना इसके, ठीक है यहाँ पे बढ़िया है। यहाँ पे ना मैं अभी वॉल्स वगैरह लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, रुको यहाँ पे ये वाले वॉल्स हो जाएंगे, बट उससे पहले ना मेरे को ये वाले वॉल चाहिए, ठीक है, मेरे को ना यहाँ पे लगाने हैं वॉल्स, ठीक है, इस लाइन में लगाएंगे हम वॉल्स। ये हो गया एक, ये हो गया हमारा दूसरा वॉल, दो मिनट ढंग से आ नहीं रहा ये, ठीक है, ये आ गया हमारा दूसरा वॉल, हमारा ऑफिस बस रेडी होने वाला है, ये वाली विंडो लगानी है, ठीक है, ये हो गया एक तो। एंड अभी थोड़ा मेरे को पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है भाई, दूसरे वाले भाई उसमें पहुंच जाता हूँ मैं फ्लोर में, पर दिक्कत नहीं है कोई। अभी के लिए हमारा जो क्या कहते हैं ये वाला फ्लोर है वो रेडी हो रहा है, ऑफिस हमारा छोटा सा बन चुका है, ठीक है, डन। और यहाँ पे मेरे को अभी और भी चीज़ें बनानी है, डन डन, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक गेट हो जाएगा। एंड अभी ना ये वाले स्टेयर्स मेरे को हटाने पड़ेंगे, हमारा जो वर्कर है वो इस टाइम है ऊपर की तरफ, बट ठीक है कोई बात नहीं। और अभी हमारी ऊपर की साइड बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं,
जो कि वो देखो दिखा रहा है इज आउट ऑफ रीच। तो ऊपर जाने के लिए भी स्टेयर्स बनाने पड़ेंगे, नहीं तो भाई कोई भी जो कस्टमर है वो ऊपर नहीं जा पाएगा। टर्न और यहाँ पे रुको, यहाँ पे वाला लगाते हैं। ठीक है गाइस, तो फाइनली हमारा पूरा का पूरा ऑफिस रेडी हो चुका है यहाँ पे। और हाँ, ऑफिस में हो चुके हैं सोफा सेट एंड जो भी भाई हमारा पीसी वगैरह है वो। अभी मेरे को ना यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह शिफ्ट करने का लगाना है और अभी स्टेयर्स भी लगाने हैं, क्योंकि गाड़ियों के लिए कस्टमर ऊपर कैसे जाएंगे। तो ठीक है, एक यहाँ लगा देता हूँ, एक लगा देता हूँ उसके साथ में, बटा नहीं रहा, रुको अंधेरा भी हो गया यार। ठीक है, यहाँ पे एकदम आ जाए ना भाई इसके साथ में। ठीक है, आ गया फाइनली। एंड एक और लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने अभी तीन लगाए हैं, तीन में आराम से गाड़ियाँ आ जा सकती हैं, दिक्कत नहीं है। और मेरे को ना अभी स्टेयर्स लगाने हैं, तो वो भी ना मैं अभी अच्छी तरह लगा देता हूँ। यहाँ पे लगा दूँ क्या, दिक्कत ना हो यहाँ पे लगा, दो मिनट रुको, यहाँ पे ना दिक्कत हो रही थी, देन मैंने इसकी जगह चेंज करी और मेरे को लगता है अब सही है। यहाँ पे ना गाड़ी वगैरह थी तो दिक्कत हो गई थी। तो ठीक है, अभी ना मेरे को यहाँ से बस इसको तोड़ना है ऊपर वाली। अबे रुको, यहाँ पे एक गाड़ी आ रही है, वेट, यहाँ पे भी गाड़ी आ रही है यार, मेरे को ना इसको साइड करना पड़ेगा, दिक्कत होगी भाई यहाँ पे अगर ऐसे गाड़ियाँ वगैरह आएंगी। रुको इसको ना मैं जल्दी जल्दी साइड करता हूँ। तो ठीक है गाइस, फाइनली अब यहाँ पे बस मेरे को गाड़ियों के लिए स्पेस बनाना है। तो यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ, डन, ये हो गया हमारा। एंड थर्ड वाले का भी बना दें क्या, वेट, ये थर्ड वाला सही है यार, इसको हटा देता हूँ यार, स्टेयर्स ना दिक्कत दे रही है थोड़ी बहुत। रुको, स्टेयर्स के लिए ना यहाँ पे मैं ना इसके साइड में लगा देता हूँ। ठीक है, तो फाइनली हमारे स्टेयर्स का भी काम बन चुका है। यहाँ से बस मेरे को ना यहाँ से हटाना है ऊपर का रूफ, तो मैं रुको यहाँ से ना रूफ वगैरह हटा देता हूँ, जिससे कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो चल के आ सके। ठीक है, यहाँ पे एक हो गया एंड आखिरी का हटाना पड़ेगा। ठीक है, डन। तो यहाँ पे देखो गाइस, ओ नहीं, यहाँ पे मेरे से गलती से ना हटा हुआ, रुको रुको रुको, यहाँ पे ना मेरे को एक स्टेयर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये रही रूफ, एंड जो पीछे की साइड का ना इसको हटाना पड़ेगा मेरे को यहाँ से। ठीक है, हमारा जो ऑफिस है वो रेडी हो चुका है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई थी यहाँ पे, बट चलो गाइस फाइनली हमारा सारा काम खत्म हुआ है यहाँ पे। एंड ये देखो बेचारा वर्कर ऊपर फंसा हुआ था, वो अब जाके नीचे जा रहा है, तो ठीक है आराम से जाएगा। एंड यहाँ से ही अपने आराम से कस्टमर्स वगैरह आके गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, और ये सारी गाड़ियाँ होंगी सेल अगले वाले एपिसोड में। अभी काफ़ी सारी गाड़ियाँ कलेक्ट करनी है, कम से कम तो भाई मेरे को अपना ये शोरूम फुल करना ही करना है। तो चलो अभी के लिए मैं जल्दी चल रहा हूँ अपने घर पे, एंड पता क्या करेंगे, घर चल के सोएंगे, क्योंकि सोना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे, अभी काफ़ी सारी गाड़ियाँ बनवानी है, काफ़ी सारा काम बाकी है, तो वो भी कंप्लीट करना है। तो चलो बिना चल के सो लेता हूँ, और आज का भाई लॉस ही हुआ है, प्रॉफिट तो ज़्यादा हुआ नहीं। तो ठीक है, अभी के लिए मैं जल्दी से निकलते हैं सुबेरे, और अभी ऑक्शन भी है 12 बजे का, क्या पता कोई बढ़िया सी गाड़ी लगी हो हमारे ऑक्शन में। तो चलो अभी ना यहाँ से निकलते हैं, जल्दी से ऑक्शन वगैरह चेक करेंगे और देखेंगे रेस वगैरह में कोई गाड़ी है। और तुम्हें ना एक बार मैं ऑफिस चल के दिखा देता हूँ, जो कि अभी अभी हमने नवा नवा बनाया है। तो यहाँ पे देख लो भाई, ये रहे हमारे स्टेयर्स और यहाँ से गाड़ियाँ ऊपर जाएगी, और ये रहा वो ऑफिस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आराम से बातचीत हो सकती है, डील्स हो सकती हैं गाड़ियों की, और यहाँ पे मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपना ऑफिस, अच्छा खासा मैंने बिल्ड कर दिया। अगर तुम सबको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ठीक है गाइस, अभी यहाँ बैठ तो नहीं सकता मैं, पर ठीक है सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। तो चलो इसको ना क्लोज करो, एंड अभी ना तुम्हें यहाँ दिखा देता हूँ लिफ्ट, जिससे कि हम आराम से ऊपर जा सकते हैं, एंड दिक्कत नहीं है कोई, लिफ्ट मतलब गाड़ियाँ वगैरह भी ऊपर ले जा सकते हैं। और हम भी बस यही दिक्कत है कि कस्टमर ऊपर नहीं जा सकते बेचारे, अगर कस्टमर जा सकते देन ना मैं से एक लिफ्ट ही बना देता। और ये देखो यहाँ से आराम से हम जाएंगे, स्टेट से भी आ सकते हैं, एंड सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, अपनी नई वाली गाड़ी वाली लिफ्ट नीचे बुला देता हूँ, डन भाई, ये इजीली काम है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कुछ करने की यहाँ पे। और अभी के लिए मेरे पास काफ़ी गाड़ियाँ बची है, पर ना मैं ऑक्शन वगैरह चेक करके आता हूँ ऑक्शन में कौन कौन सी गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो कि परचेस करने के लायक हैं या फिर नहीं, मेरे को एक बार ना चेक करना है यहाँ चल के। ठीक है भाई, ये रहा हमारा ऑक्शन। तो चलो अभी ना यहाँ देख लेता हूँ मैं एक बारी क्या क्या अवेलेबल होता है यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मर्सिडीज एंड बग रैगल लगी है और एक छोटी सी गाड़ी लगी हुई है। ठीक है यार, ये गाड़ियाँ ना अभी ख़रीदने लायक है नहीं वैसे। तो चलो अभी के लिए मैं चल रहा हूँ रेसिंग ट्रैक देखने, रेस ट्रैक देखते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं कौन सी गाड़ी मतलब ड्रैग रेस करना चाहेगी हमारे कार से। अगर कोई अपडेटेड कार होगी देन मज़ा आएगा, नहीं तो फिर आज का दिन ऐसे ही जाने वाला है भाई काफ़ी कुछ करने के लिए। तो ठीक है, और एक यहाँ SUV खड़ी है यार, फ़ायदा नहीं आया SUV का। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मॉर्निंग में हूँ, और एक सेकंड मेरे को ना एक कमेंट आया था, क्यों ना तुमने ये वाला कैफ़े चेक करो, इस कैफ़े में ना कुछ सीक्रेट प्लेसेस हैं, ये है था। और उसका अपडेट भी आने वाला है, पता नहीं भाई इसका अपडेट कब आएंगे, कुछ नवे अपडेट्स आने वाले हैं और उसके ग्राफिक काफ़ी अच्छे चेंज होने वाले हैं। और यहाँ पर ब्लैक मार्केट में कुछ है नहीं, और वेट यहाँ पे तो भाई कुछ सीक्रेट लग नहीं रहा। हैप्पी हार्ट 50% ऑफ है। ठीक है, और यहाँ पे एक गेट है,
जहाँ से मैं अंदर नहीं जा सकता। वेट, इस गेट को तो हमें देखना पड़ेगा। क्या इस गेट के वहाँ एक वॉल और है क्या, एक रूम है क्या वहाँ? ठीक है एक रूम है वहाँ पे, मैं एक बार ना चेक करके आता हूँ। रुकना, वहाँ मेरे को ना कुछ सीक्रेट लग रहा है, क्योंकि मेरे को ना कमेंट में आया था कि आप ना भाई एक बारी कैफ़े बार्स देखो एंड उसमें कुछ ना कुछ सीक्रेट है, तो मैं एक बारी चेक जरूर करना चाहूँगा। देखो यहाँ पे हमारी गैम्बलिंग होती है, एंड एक ये वाला जो रूम है वो नहीं मेरे को पता किस चीज़ का रूम है। दो मिनट, इसको ना मेरे को साथ के साथ चिपकाना है, पर हम ना चेक करके एक बारी देखते हैं कौन सा रूम लगा हुआ है यहाँ पे। बस मैं एक बार इसमें ना वॉल पे लगा लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ओ वेट, ये रहा वो रूम जिसकी मैं बात कर रहा था, और आई थिंक ये ना भाई कोई सीक्रेट रूम है। बट इसके ना जो डोर्स वगैरह वो ओपन नहीं होते, और यहाँ पे एक लड़की है, और यहाँ पे सोफा वगैरह लगा रहा है, मतलब क्लब टाइप पे कुछ ये। एंड यहाँ पे देखो ये वाला डोर क्लोज है अंदर से भी एंड बाहर की तरफ से भी। पता नहीं ये अपडेट में आने वाला सीन है या फिर पता नहीं क्या है, बट यहाँ पे अभी हम कुछ कर नहीं सकते, बस ऐसे ही घूम सकते हैं। बट ये सीक्रेट जगह थी जो कि हमने ढूंढ ली है, तो ठीक है अभी के लिए ना यहाँ से मैं एक बार निकल जाता हूँ। रुको, यहाँ पे कोई जगह, ठीक है तो ये रही वो जगह। तो हम ना जल्दी चलते हैं अपने अभी रेसिंग ट्रैक पे, तो कुछ तीन ही गाड़ी, देन मेरे हिसाब से और क्या देख सकते हैं यहाँ पे, कुछ सीक्रेट है और है या फिर नहीं। भाई मैंने ये वाले रूम का सीक्रेट कभी चेक ही नहीं करा था, अच्छा हुआ आज मैंने ये रूम चेक करके देख लिया। मेरे को अभी शोरूम पे चलना है, और यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे एक और बिल्डिंग है ना ऊपर की तरफ क्लब के। रुको रुको रुको, इसको भी ना मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर ये क्लब में वो वाले रूम में भी कुछ हुआ देन ना हम ऊपर तो नहीं जा पाएंगे, बट हाँ यहाँ से जूम इन जूम आउट से चेक जरूर कर सकते हैं। तो चलो एक बार ना मैं चेक करके देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ना ये रूफ है, एंड इसके ऊपर तो उससे भी बड़े वाला रूफ है भाई। इसके अंदर ना कुछ नहीं है, इसके ऊपर से मैं देख सकता हूँ भाई अंदर क्लब का पूरा एरिया, तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। बट हाँ वो वाला जो सीक्रेट था वो आ चुका है, क्या पता ये अपडेट वगैरह में आ जाए या अपडेट। तो भाई देखो पूरा चेंज होने वाला है, मैंने गैस स्टेशन देखा एंड काफ़ी कुछ देखा है। तो चलो अभी के लिए मैं चल रहा हूँ अपने शोरूम में, एंड वहाँ पे जितनी गाड़ियाँ वगैरह बची हैं उनको रिपेयर वगैरह कराएंगे और बनवा के अपने शोरूम वगैरह में खड़ा लेंगे। तो ठीक है गाइस, फाइनली वो लास्ट कार है जो कि मैं लेके जा रहा हूँ, लास्ट कार नहीं है, अभी काफ़ी गाड़ियाँ बाकी बची हुई हैं। और यहाँ पे भाई ये लिफ्ट ऑटोमेटिकली भी है, मतलब अपने आप ही गाड़ियों को ले आती है। यार रुको यार, मैं दूसरी वाली गाड़ी को भी ना मंगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये गाड़ी भी आ जाएगी ऊपर की तरफ टर्न। अभी ना मेरे को इन दोनों गाड़ियों को खड़ाना है यहाँ पे, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना, अबे यार यहाँ पे ना मैंने ये यहाँ पे रूफ वगैरह नहीं लगाया। दो मिनट रुको यार, यहाँ पे ना इनको सही तरह देख के लगाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे टेस्ला वगैरह है, इन सबको ना पहले मैं खड़ा लेता हूँ एक साइड, देन ना ये वाला थोड़ा बहुत काम शुरू करना है। वो देखो वहाँ पे रूफ ना लगाए नहीं है मेरे को, जो हमारी पहले वाली हमने लिफ्ट बनाई थी एंड स्टेयर्स के लिए बनाया था, वहाँ पे अभी भी स्पेस बाकी है, तो उसको मेरे को फुलफिल करना है। तो चलो अभी ना पहले मैं टेस्ला ढंग से खड़ा देता हूँ यहाँ पे, देन अभी और भी गाड़ियाँ खड़ानी है, और फिर हमें और थोड़ा बहुत अपने इस शोरूम को कस्टमाइज़ करना है, तो वो भी करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको बढ़िया सा शोरूम बनाएं, ये वाली गाड़ियाँ सेल कर दूँ, अपना शोरूम खाली कर दूँ, देन नेक्स्ट उसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं कोशिश करूँगा कि शोरूम को ना और बड़ा करूँ, देन इसको ना डिस्ट्रॉय करके पूरे शोरूम को और तगड़ा शोरूम बनाएंगे। ठीक है, मैंने कुछ आइडिया सोचा है, अगर वो वाला आइडिया पसंद आएगा परसों वाला एपिसोड में तुम्हें देखने को मिलेगा वो आइडिया, अगर वो आइडिया अच्छा लगा तो मेरे को बताना। चलो इसको रीबिल्ड करेंगे अपने शोरूम को। तो ठीक है, यहाँ पे अपना ये आ चुका है डन, अभी ये वाली गाड़ी मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लगाना है और मेरे को अभी चल के कस्टमाइज़ करना है दोबारा से। तो चलो गाइस, फाइनली हमारा काम बन चुका है, और अभी काफ़ी सारी गाड़ियाँ बची हुई हैं जो कि शोरूम में लगानी है, और यहाँ पे स्पेस वगैरह फुल करना है, वो भी करेंगे। दो मिनट, इसको ना मैं नीचे भेज देता हूँ। ठीक है, इसको ना इसके साथ ही चला जाऊँगा मैं नीचे, भाई लिफ्ट की तरह काम आएगा हमारे। तो ये देखो भाई लिफ्ट हमारी काफ़ी बढ़िया है, वैसे गाड़ी वाली लिफ्ट काफ़ी काम आ जाती है हमारे। तो चलो अभी के लिए मेरे को ना यहाँ पे काफ़ी सारा काम करना है। रुको, इन सारी गाड़ियों को ना मेरे को साइड करना पड़ेगा। वेट, ये क्या हुआ भाई, यहाँ से मैं गिर कैसे गया? रुकना, अच्छा ऐसे ही कुछ हुआ होगा। तो यहाँ पे ना मेरे को कुछ गाड़ियों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन में मैं लगाने वाला हूँ वॉल पूरे में। तो अभी मेरे को ना चेंज करना है यार यहाँ से। तो रुको, इस वाली गाड़ी को ना पहले, मैं जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ना यहाँ पे, तीन गाड़ियाँ हैं, SUV है, तो हमारी सैडन कार्स हैं। तो चलो इन तीनों को ना हम जल्दी जल्दी हटा लेते हैं यहाँ से। ये वाली गाड़ी को ना यहाँ पे करो टर्न, अभी बेचारा हमारा वर्कर काम पे लगा हुआ है, इस वाली को भी हटाना है मेरे को। ये वाली गाड़ियाँ मैंने सारी भाई सिल्वर रखी हुई है, मतलब मेटल फ्रेम में। तो चलो अभी इसको हटाते हैं, एंड अभी एक लास्ट कार बची है, इसको मेरे को SUV को हटाना है, फिर अभी बाकी का काम है वो कंप्लीट करना है। तो ठीक है, इसको ना यहाँ पे लगाओ टर्न, अभी ना इसको मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ से इसको भी साइड में लगाना है। अभी इसको मेरे को दो मिनट, इसको मैं सेटिंग करके लगा दूँ क्या गाड़ी को?
अपना एसयूवी को ना मैं सेट करके यहीं से लगा देता हूँ, ठीक रहेगा, थोड़ा बहुत गैप ना आए। वेट वेट वेट, मेरे को ना थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, बट गिर ना चाहूँ, बच गया भाई, वहाँ से गिर भी सकता हूँ स्टेयर से। तो ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे थोड़ा और साइड करना है यार, इन गाड़ियों को परफेक्ट लगाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। तो ठीक है गाइस, फाइनली हमारी कार आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है डन। तो मेरे को अभी चल के कस्टमाइज़ करना है थोड़ा बहुत, तो और कस्टमाइज़ हम करते हैं चल के। अभी के लिए मेरे को ये डोर खोलना है, ठीक है भाई। ऑफिस ही वाला बढ़िया हो चुका है हमारा, एंड अभी मेरे को और भी ऑफिस ऊपर की साइड भी बनाना है बढ़िया सा। तो चलो अभी के लिए ना जल्दी से वाला काम करता हूँ, एंड यहाँ पे पहले ना मैं रूफ़ फील करता हूँ। रुको रुको रुको, यहाँ पे ना पहले रूफ़ का काम कंप्लीट कर देता हूँ, देन अपना अगले वाला काम करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे एक रूफ़ का काम कंप्लीट हो गया, और ये जहाँ स्टेयर्स बनाई थी तुम्हें याद होगा यहाँ पे भी करना था। और अंधेरा क्यों होता है यार, हमेशा मैं काम करने जाता हूँ देन अंधेरा हो जाता है, मैं सोचता हूँ मॉर्निंग में काम कर लूँ, बट ठीक है भाई इवनिंग हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए यहाँ पे मेरे को ना कुछ ऐसे फ्रेम्स वाले वॉल्स लगाने हैं, बट ऐसे नहीं लगाऊंगा मैं, थोड़ी डिफरेंट से लगाएंगे। ये हो गया, जैसे एक यहाँ पे हो जाएगा, अभी लग क्यों नहीं रहा है, वेट वेट वेट। तो दिक्कत कोई आ रही थी, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे एक हो चुका है ना, ठीक है यहाँ पे एक लगा लो। एंड अभी इसके साथ में तो गाड़ियाँ निकलेगी, तो यहाँ पे मैं लगाने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे लगाएंगे हम, ठीक है। तो हम लगा सकते हैं एक यहाँ, नहीं ऐसे नहीं लगा सकता, ठीक है यहाँ पे एक लगा सकते हैं इस साइड को, तो यहाँ पे एक लगा सकते हैं ऐसे। भाई ये लग क्यों नहीं रहा, वेट यार, छोटे छोटे ग्लीचेस सही होने चाहिए यार इसमें। तो ठीक है, एक हमारा यहाँ लग चुका है, बट यहाँ पे नहीं लग रहा, दो मिनट यहाँ ना मेरे को साइड जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक वॉल लगाना है, रुको यहाँ पे। अब भी वॉल्स कहाँ गए भाई, वॉल्स गायब हो गए, ठीक है ठीक है आगे। तो यहाँ पे एक वॉल लगाना है, और यहाँ पे सोच रहा हूँ, रुको 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 रुको, यहाँ से मैं कहाँ आ गया भाई, दो मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ सेकंड फ्लोर, यहाँ पे भी एक वॉल लगा के ना उसके बाद एक डोर लगा सकता हूँ मैं, ठीक है ठीक है। यहाँ पे ना एक ऐसे वॉल लगाते हैं, एंड यहाँ तो भाई स्टेयर्स बंद कर दूंगा अगर ऐसे वॉल्स वगैरह लगाएंगे तो ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसे वॉल्स हो जाएंगे, ठीक है, और एक ही बीच में हो जाएगा गेट, जो कि बढ़िया रहेगा। तो ठीक है गाइस, एक ना गेट लगा देता हूँ यहाँ पे बढ़िया सा, ये लो यहाँ पे एक गेट आ गया, और यहाँ पे एक और वॉल्स लगा के इसे बंद कर सकता हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है भाई। तो हमारा फाइनली एक और मतलब एक और ऑफिस रेडी हो चुका है, और यहाँ पे मेरे को ना थोड़ा बहुत सेफली रखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ हो चुका है ना, डन डन भाई, काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार। ऊपर की साइड भी मैंने ना एक ऑफिस बना दिया छोटा सा, ठीक है, एक ये हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एंड अभी मेरे को वॉल्स की ज़रूरत नहीं है, बट मेरे को अभी टेबल्स वगैरह लगाने हैं, सोफ़ा वगैरह सेट करने हैं इस वाले रूम में। तो चलो अभी ना यहाँ पे सोफ़े वगैरह लगा लेंगे हम, तो मैं रुको यहाँ पे कहाँगे सोफ़े, ये रहना, ठीक है, यहाँ पे एक हमारा टेबल आ जाएगा, देन सोफ़े आ जाएंगे। तो मैं जल्दी से वाला काम ख़त्म करता हूँ, देन तुम्हें एक बार ही दिखाता हूँ अपना ये वाला भी ऑफिस। फाइनली गाइस, रेडी हो चुका है हमारा ऊपर वाला ऑफिस भी, अभी ना तो मैं दिखाता हूँ, वो कस्टमर्स के लिए है कि कस्टमर आके आराम कर सकते हैं, वहाँ रेस्ट वगैरह कर सकते हैं, बढ़िया चीज़ है यहाँ पे भी। तो ये देखो, यहाँ पे जो ऑफिस बनाया था, यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, और अंदर की तरफ हमारे ये रहा सोफ़ा सेट, जहाँ पे कि कस्टमर आके बैठ सकते हैं, और यहाँ पे इसको क्लोज करो। तो चलो अभी के लिए मैं चल रहा हूँ सोने, एंड नेक्स्ट आएंगे, अभी काफ़ी सारी गाड़ियाँ और खरीदनी है, कार मार्केट चलना है तो कार मार्केट भी चलेंगे, और अभी मैंने बिल वगैरह भी पे नहीं करा तो वो भी पे करेंगे। तो चलो कल देखते हैं भाई कार मार्केट ओपन होगी या फिर ऑक्शन, देन तभी पता लगेगा हमें जाना तो जाना कहाँ है। तो ठीक है, अभी ना नेबर टाउन चलते हैं हम, सोते हैं चल के, और नेक्स्ट डे अभी काफ़ी सारा काम पड़ा है, और हाँ अभी गाड़ियाँ वगैरह ना इतनी सारी खरीदनी है कि शोरूम फुल हो जाए। तो ठीक है, और आज का हमारा घाटा ज़्यादा नहीं हुआ, $15,000 का ही हुआ है, तो दिक्कत नहीं है कोई। तो चलो अभी के लिए भाई नेक्स्ट डे नहीं आया, तो ठीक है आ चुका है, अभी मेरे को चलना है, कार मार्केट ओपन है तो बढ़िया भाई, कार मार्केट से काफ़ी गाड़ियाँ खरीदनी है। और यहाँ पे एक ठीक है मस्टैंग खड़ी हुई है, रुको रुको रुको, मैं मस्टैंग यहाँ से ले लेता हूँ मैं, परचेस करने में प्राइस पता करना पड़ेगा इसका कितने का है, रुको $49,000, ठीक है डन गाइस, मस्टैंग मैंने परचेस कर लिया है, और अभी के लिए ना इसको मैं भेज देता हूँ यहाँ से, और अभी चलते हैं कार मार्केट। कार मार्केट में भी अभी काफ़ी सारी गाड़ियाँ परचेस करनी है, वहाँ पे भी हम काफ़ी गाड़ियाँ परचेस करेंगे। और यहाँ पे आ चुका हूँ, रुको यहाँ पे ना एक बार चेक कर लूँ, फरारी खड़ी हुई है एंड काफ़ी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ खड़ी हैं, रुको यहाँ पे इसका प्राइस पता करें क्या, काफ़ी ज़्यादा डैमेज है कार, बट ठीक है $2,79,000 की मिल रही है। तो चलो अभी जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे काफ़ी जो लग्जरी होंगी उन्हें हम परचेस कर लेंगे, और जो ऐसी होगी छोटी मोटी कार देन उन्हें छोड़ दूंगा। तो जल्दी से अपना कार मार्केट का काम खत्म करता हूँ, एंड इन्हें लेके चलते हैं अपने शोरूम में। तो फाइनली गाइस, मैंने ना कार मार्केट की सारी गाड़ियाँ सेल मतलब भेज दी अपने शोरूम पे, बस ये बची थी कोई स्पेस खाली नहीं था, देन अभी के लिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ अपने साथ। तो चलो अभी के लिए इसे लेके चलते हैं, एंड अभी ना मैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ परचेज करी भाई कार मार्केट से, और उसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, इसको बिना हमें चल के बनवाना पड़ेगा। तो ठीक है, हमारा ये आ चुका है
खुद का शोरूम। भाई शोरूम कस्टमाइज करने के बाद सही में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, एंड ऐसा कोई सीन इन्होंने दे रखा है, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो चलो गाइस, अभी के लिए मैंने अंदर दो गाड़ियाँ खड़ाई है, इन्हें रिपेयर करवाना है और फिर तुम्हें चल के अपना ऑफिस भी दिखाना है अभी, जो कि मॉर्निंग में नाइट में दिखाया था ना मैंने, मतलब मॉर्निंग में नहीं दिखाया, फिर मॉर्निंग में चल के एक बार दिखा दूंगा तुम्हें। तो चलो अभी ना अभी चलते हैं अपने वाले शोरूम में, वहाँ चल के भी काफ़ी सारा काम है। तो ठीक है, ये आ गया अपना फ्लिन गेमर्स का शोरूम, अभी मैं अंदर चलता हूँ। एंड यहाँ पे हमारा छोटा सा शोरूम है तुम्हें पता है, और ऊपर की तरफ एक और छोटा सा शोरूम नहीं ऑफिस है, और यहाँ पे भी एक कस्टमर्स पे बैठने के लिए रेस्ट रूम बना हुआ है, जो कि आराम से बैठ के यहाँ डील्स वगैरह कर सकते हैं, और ये बेचारा वर्कर जा रहा है हमारा। तो ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, इन सबको भी लगाना है, और ये रहा हमारा ऑफिस जो कि काफ़ी बढ़िया बनाया। तो चलो गाइस, इसके साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।